इंदौर को पीछे रखने वाला कोई अगर शहर है तो वो नवी मुंबई है। हम उस तरफ काम कर रहे हैं। अरे लेकिन आप जो है वो बेचना शुरू कर दिया है, अब क्या रेलवे के ऊपर की जगह भी बेचेंगे? अगर हमने अपना फाइट करके मैदान, ग्राउंड्स, ओपन ग्राउंड्स, प्ले ग्राउंड्स, प्लॉट्स नहीं बचाए तो ये परमानेंट डैमेज सिटी का हो जाएगा और रहेगी तो सिर्फ इमारतें और कुछ नहीं होगा। तो लोगों को समझ के लेना चाहिए कि गवर्नमेंट गलत कर रही है करके, और उसके वजह से मुझे हर एक फैमिली को, हर एक फैमिली के बच्चे को जो पिछले 1.5 साल से घर में बैठा हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस, ना खेलने के लिए मैदान है ना कुछ है, आइंदा मिलेगा नहीं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और उसके लिए मुझे उतरना पड़ेगा। दूसरी बात, चुनाव आ रहे हैं नवी मुंबई में, चुनाव के वक्त इन्हीं लोक प्रतिनिधियों के, इन्हीं के सरकार के लोक प्रतिनिधि जो चुनाव के लिए वोट मांगने आएंगे उनको ये सवाल पूछना पड़ेगा, आपके गवर्नमेंट ने ये हमारा परमानेंट डैमेज करने का जो पॉलिसी अडॉप्ट किया है वो पहला विड्रॉ करो, उसके बाद वोट मांगने के लिए आ जाओ, और उसका निर्णय जनता ने खुद लेना चाहिए। भूखंडों की लूट के लिए सिडको ने रोका डीपी प्लान, विजय घाटे से सुनिए अब क्या होगा नई मुंबई का अंजाम। पूरा इंटरव्यू मंगलवार शाम 7 बजे सिर्फ TV1 इंडिया लाइव पर।